हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे जो पियर्सिंग के बाद अक्सर लोगों को हो जाती हैं। अक्सर लोगों को सुना है कि पियर्सिंग के बाद बम्स आ जाते हैं और वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारी कैजुअल रूटीन ऐसी होती है कि हमें खुद नहीं पता चलता कि ये सब किस तरह से हो गया। लेकिन छोटी छोटी बातों को हम अगर नोट करें तो हमें पता चल जाता है ये किस वजह से हुआ है। तो आज हम उसी बात को लेकर शेयर करेंगे। मैं आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग सॉल्यूशन बताऊंगी। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा रस्टेड ज्वेलरी, जो डल पॉलिश होने की वजह से, रस्टेड होने की वजह से इन्फेक्शन पैदा करती है, जो कि नॉर्मल आपकी पुरानी पियर्सिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। उसको यूज़ ना करें। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी ज्वेलरी पुरानी हो गई है या उस पर से पॉलिश उतर गई है या काली हो चुकी है, वो फिर भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ होती है, जो ख़ास तौर पे आपके कानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। अगर आपको फैशन ज्वेलरी ट्राई करनी है तो वो बिल्कुल न्यू होनी चाहिए और पॉलिश वाली। सो सेकंड प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है कि कपड़ों वगैरह से या किसी भी चीज़ से हमारी पियर्सिंग अटकती है। अगर आपने कोई इस तरह के टॉप्स पहने हुए हैं जिसके अंदर जाल बना है तो वो भी ज़रूर अटकता है। इसका सोल्यूशन मैंने आपको लिखकर भी बताया है कि चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर शॉपर या पॉलिथिन बैग पहन के शर्ट पहने बिल्कुल नहीं अटकेगी। अक्सर लोग पियर्स करवाने के बाद उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, ना टॉप्स को हाथ लगाते। उनको लगता है कि हमें दर्द हो रहा है, इस वजह से वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, ना उसको मूव करते, बस उसको ऐसे ही छोड़ देते। वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कान के अंदर जो भी स्टर्ड होता है, टॉप्स होता है, वो बिल्कुल स्टक हो जाता है, जिसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है और बम्स बनने लगते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। आप क्लीनिंग करें रेगुलरली, कॉटन बर्ड से आगे से भी पीछे से भी ऑइंटमेंट यूज़ करें और उसको रोज़ाना मूव करते जाएं। दिन में कम से कम 2 बार ये क्लीनिंग करके मूव करें। आप ये देखिएगा फ़र्क के, बहुत जल्दी आपकी पियर्सिंग हील भी हो जाएगी और उसमें ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। शुरू में तो ज़ाहिर है होता ही है दर्द, लेकिन अगर आप ऑइंटमेंट लगाकर उसको मूव करेंगे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये अक्सर लोगों को पियर्सिंग के बाद भी पता नहीं होता और इसी वजह से आपकी हीलिंग प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, जो आपको काफ़ी प्रॉब्लम और पेन देता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पियर्सिंग के अंदर ये आ जाती है कि हम सबसे ज़्यादा जो मेन काम कर रहे होते हैं, जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये हम गलत कर रहे हैं, वो है रॉन्ग पिलो यूज़ करना। इसका हमें इस वजह से आइडिया नहीं होता, हम सो भी रहे होते हैं लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें जो पेन हो रहा है वो पियर्सिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाज़ दफ़ा आपका पेन जो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है वो आपके पिलो की वजह से भी होता है। आप अगर गलत तकिया यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, जो पियर्सिंग में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके लिए ये सोल्यूशन है कि आप हम ट्रैवलिंग पिलो यूज़ करें, जो ट्रैवल में यूज़ करते हैं नेक पिलो जो कहलाता है, उसको यूज़ करें। ये पियर्सिंग के लिए बहुत अच्छा है और आप लोगों की पियर्सिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हील भी हो जाएगी और सोते में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो इसके अंदर होल बना हुआ है, इसके अंदर आपका कान आ जाएगा और इसके बाद आपका जो सर होगा इस कॉर्नर्स पर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको पेन भी फील नहीं होगा और पियर्सिंग को भी हेल्प मिलेगी जल्दी हील होने के अंदर। इसके अंदर एक बटन भी होता है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता, तो ये बटन को भी आप बंद कर लेंगे तो ये आपका पिलो कहीं इधर उधर नहीं भागेगा। अगर आपको नीचा तकिया रखने की आदत है तो आप डायरेक्टली इसको रख लें, अगर आपको ऊंचा तकिया रखने की आदत है तो आप नॉर्मल पिलो एक नीचे रखें, उसके ऊपर ये वाला रख कर उसके ऊपर सो जाएं। खुद डिफरेंस पता चलेगा, जो पियर्सिंग की वजह से पेन में आपको नींद नहीं आती, उसकी नींद भी पूरी हो जाएगी और आपको पियर्सिंग में भी पेन नहीं होगा। यहाँ पर मैंने काफ़ी मेजर एंड यूजुअल प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं जो हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं पियर्सिंग के बाद। तो अगर कोई और प्रॉब्लम है जिसका सलूशन मिल नहीं रहा तो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको उसका सलूशन बताऊँगी। सो नेक्स्ट हमारा ये है कि अक्सर लोगों को लगता है पियर्सिंग करवाने के बाद काफ़ी सारी मेडिसिंस खा लो या पेन किलर्स खा लो तो उससे पियर्सिंग का जो आपका पेन है वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा।
ये होता है, पेन किलर्स ज़रूरी होती हैं पहले दूसरे दिन, लेकिन हर वक्त के लिए नहीं। ये याद रखें कि आप जब भी कभी चेंजिंग करें, क्लीनिंग करें पियर्सिंग को, या फिर मूव करने के लिए आप हाथ लगाएं कानों को या पियर्सिंग को, तो आपके हाथ वॉश होने, सैनिटाइज होने चाहिए। हाइजीन का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हाउ टू वॉश हेयर। ये प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी पड़ती है कि हम शैम्पू किस तरीके से करें कि हमारी पियर्सिंग में भी ना लगे और वो बालों से स्टक ना हो। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप आगे की साइड पर झुककर अपनी कमर को बेंड कर बाल नीचे लटका कर उसको शैम्पू करें। इससे ये होगा कि आपका जो भी शैम्पू कंडीशनर है वो पियर्सिंग के अंदर नहीं जाए, जो कि इन्फेक्शन पैदा करता है, बम्स बना देता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता कि ये शैम्पू और कंडीशनर की वजह से हुआ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर मोर अनदर पियर्सिंग एंड क्लीनिंग वीडियो, गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक द लिंक बिलो। थैंक यू।